Hello everyone. Today our topic is related to a poem Wrinkle written by Arvind. Mother make infinite sacrifices for their children, including even giving up all they possess. The toll of such sacrifice is heavy. Children need to appreciate and reciprocate motherly love. द पॉइम रिलेट्स द सेक्रीफाइसेस ए वूमन मेक्स माइल ऑन द पाथ ऑफ मदरहुड पोइट अपनी माँ से कहता है कि मैं बड़ी हिम्मत करके तुम्हारे चेहरे पर पड़ी हुई जुड़ियों को गिनना शुरू करता हूँ माँ पहली जुड़ी आपको तब पड़ी थी जब आपके फादर ने आपको अपने घर से निकालकर किसी दूसरे के आंगन में छोड़ आए थे यहाँ पर पोइट अपनी माँ को एक पेड़ से कंपेयर करता है जो एक आंगन से निकालकर किसी दूसरे आंगन में लगा दिया हो एक और झुरी उस वक़्त पड़ी जब मैं तुम्हारे खून से पल रहा था और ग्रीव हुआ बड़ा हुआ तुम्हारे होम में माँ एक और जुरी तब पड़ी जब मैं तुम्हारी छाती से लगकर तुम्हारा दूध पीता था और मैं तुम्हारी खूबसूरती को पी रहा था पोइट कहता है माँ एक और जुरी तब पड़ी जब एक लड़की मुझे तुमसे अलग करके ले गई और फिर पोइट बड़े दुख से अपनी माँ को पुकारता है माँ मेरी माँ पोइट अपनी माँ से फिर कहता है कि मैं अपने हाथों से हिम्मत करके तुम्हारे चमड़ी के नीचे की एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ वो लड़की जो अब ख़त्म हो चुकी है पोइट कहता है उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो राधे फेस्टिवल बड़े शौक़ से मनाती थी और राधे के बीजों के मुलायम पौधे डुबोने के लिए तवी दरिया पर जाती थी और जो अक्सर स्टापू और कंकरियों का खेल खेला करती थी शायद पॉइट अपनी माँ को गुजरा हुआ ज़माना याद कराना चाहता है और फिर आखिर में पॉइट अपनी माँ से ये रिक्वेस्ट करता है कि माँ आप एक दिन के लिए वह लड़की बन जाओ मैं आपके लिए सब कुछ ले आऊँगा वो राधे के रंग वो खुशियाँ वो तुम्हारे दुपट्टे के लिए किनारी वो रंग बिरंगी किंकल ले आऊँगा तवी से ले आऊँगा डियर स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट रिंकल आर द पॉइंट फाइंड्स फोर रिंकल्स ऑन हिज मदर्स फेस द फर्स्ट रिंकल रिप्रजेंट्स द टाइम वैन शी गॉट मैरिड एंड वॉज सेंट टू हर इन लॉस द सेकेंड रिंकल रिप्रजेंट्स द टाइम When she got pregnant, and the third wrinkle represents the time when she bore her child and succored him, which wore away her all her attractiveness. The poem ends with the aspiration of the poet who aspires to change his mother back into the girl who knew how to draw enjoyment from all the Small things. Thank you.